लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज। धर्मेंद्र बिंद के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, सांसद अफजाल अंसारी। उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर, डबल इंजन की सरकार, कानून की हालत बहुत अच्छी है। बकौले गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ योगी जी के मुताबिक, लेकिन गुज़िश्ता दिनों जिस तरह जिला गाजीपुर के सोहबल थाना की एक चट्टी पर ऑटो रिक्शा चलाने वाले धर्मेंद्र बिंद को दौड़ा दौड़ा कर आम तौर पर गोली मारने की जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर सभी अधिकारी पहुंच गए। खुलेआम गोली मारने वालों के साथ डबल इंजन की सरकार ने क्या काम किया, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। आज 28 अक्टूबर को जिला गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी दलित बस्ती के घर पहुंचकर पूरे हालात का जायजा लिया और लोगों की जबानी बातें सुनी। इस पर आपने दुख प्रकट करने के साथ साथ लखनऊ के पीजी अस्पताल हॉस्पिटल में घायल युवा के मुफ्त इलाज करने के लिए सरकार को तत्काल कार्रवाई करने की गुजारिश की है और डबल इंजन की सरकार से पूरे परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक सहयोग देने के लिए भी आपने कहा है। गोली चलाने वालों के खिलाफ वही कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी किया है जो रोजाना दूसरे समाज के लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई करती है। अब देखना है कि कितना काम डबल इंजन की सरकार दलित युवा जिस तरह से दौड़ाकर मारा गया है उसकी जान की बचाने के लिए और साहसी युवाओं ने जिस तरह से गोली मारा है उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करती है। अफजाल अंसारी ने पीजीआई अस्पताल में मुफ्त इलाज करने के लिए एवं पूरे परिवार को 50 लाख रुपया आर्थिक सहायता देने के लिए बात कही है। अब आप किस तरह से लोग भयभीत होकर पूरी दास्तान वाकिया का सुना रहे हैं आप भी सुने और अफजाल अंसारी ने क्या बात पूरी घटना के लिए कही है आप भी सुने। Z72 न्यूज के लिए नाजिम रजा की विशेष रिपोर्ट। लेकिन देश और प्रदेश अगर कानून का राज्य है तो ऐसे गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी, अन्यथा एक दिन जनता सड़क पर आंदोलित होकर के उतर जाएगी। इस मामले में भी मेरी मांग है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को कम 50 लाख रुपए की सहायता दिया जाए, उसका मुफ्त इलाज लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में ले जाकर कराया जाए और यहाँ जो आतंकित हैं, डरे हुए हैं, भयभीत हैं गरीब, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। सांसद जी, 9mm पिस्टल से मारा गया जो परिवार, असलहों की फैक्ट्री और भरमार है, सब पुलिस को पता है, लेकिन पुलिस भयभीत है, डरी हुई है।